अज्ञात आरोपी ने सक्करदरा थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया, आपत्तिजनक पोस्ट करने लगा, अकाउंट डिलीट करने की मांग करने पर ब्लैकमेल करने लगा और 50,000 रुपए की मांग करने लगा। पुलिस ने युवती की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपी ने पहले युवती का फोटो हासिल किया, उसके नाम से फेसबुक पर अकाउंट बनाया, आपत्तिजनक पोस्ट करने पर पीड़ित परिवार को जानकारी मिली, उसे अकाउंट पर मैसेज कर खाता डिलीट करने की मांग की। आरोपी ने अकाउंट डिलीट करने के एवज में 50,000 रुपयों की मांग की। पुलिस से शिकायत करने की चेतावनी देने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। दूसरे ही दिन आरोपी ने पीड़ित युवती के भाई के फेसबुक अकाउंट पर एडिट किया हुआ अश्लील फोटो डाल दिया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई। इसमें ऐसा है कि 5 मई को एक महिला थी, उसको उसका एंड्रॉयड फ़ोन था, उसका फ़ोन उसकी 12 साल की एक लड़की है वो यूज़ करती थी। तो 5 तारीख को उसको वो मोबाइल पे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, तो लड़की ने, वो 12 साल की लड़की थी, उन्होंने वो एक्सेप्ट कर दिया और उसका खुद का फ़ोटो उस पर अपलोड कर दिया। तो फेसबुक के माध्यम से फिर उसको फ़ोन आया कि तू अगर तेरा जो फ़ोटो और ये अपलोड किया है फेसबुक पर उसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो 50,000 देना पड़ेगा तेरा, नहीं तो फोटो वायरल कर दूंगा। ऐसा धमकी देके 50,000 रुपये की डिमांड किया है। तो इस आधार पर हम लोगों ने गुना दाखिल किया है, साइबर सेल को ही संपर्क किया है और उसके आधार पर आगे तपास चालू है इसका। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। युवती और उसके परिवार की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अकाउंट बनाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट, BCN न्यूज़ नागपुर।